हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर आवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल की डेट में हमने यहाँ पर दो वीडियो से रिलेटेड बातें करी थी, इन्हें होप आपने देखा होगा। और इसी तरीके से आज के दिन में तीन ऐसे स्टॉक से रिलेटेड बातें करने वाले हैं जो कि आपने थंबनेल में देख भी लिया है। वो सारे स्टॉक्स एक दिग्गज स्टॉक्स रहे हैं, अच्छा खासा परफॉर्मेंस ऑलरेडी वो कर चुके हैं, कुछ नहीं किया है। और सारे के सारे जितने भी तीनों स्टॉक्स है न्यू लिस्टिंग स्टॉक्स है, कुछ अभी लिस्ट हुए कुछ पहले लिस्ट हुए, किसी के फर्स्ट Q1 के रिजल्ट है, मतलब पहली बार यहाँ पर रिजल्ट दे रहे हैं, कोई दूसरी या तीसरी बार दे रहे हैं। तो इसी तरीके के शेयर हमें एक बार ढूंढते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं, उनमें पोटेंशियल्स होता है, क्योंकि रिजल्ट से क्या पता चलता है, रिजल्ट से पोटेंशियल पता चलता है कंपनी का। और एक बार पोटेंशियल पता चलता है तो हमें पता चलता है कि कंपनी में हमें बने रहना है या नहीं बने रहना है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। और तत्व चिंतन, ग्लेन फार्मा एज वेल एज हम बात करने वाले हैं एमी ऑर्गेनिक, तीनों के रिजल्ट आ चुके हैं, तीनों से रिलेटेड बातें करेंगे। बट बिफोर द वीडियोस में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल जो आपका खुद का चैनल है इन्वेस्ट फॉरएवर, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो डेली बेसिस में मिलती रहे। बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है, यहाँ पर बहुत सारी वीडियोज बनाई जाती है, देखना है, सीखना है, सीख के नोट्स भी बना सकते हैं आप, और प्लेलिस्ट को गो थ्रू कर सकते हैं, यहाँ पर आपके लिए स्पेशली प्लेलिस्ट बना रखी है। और अगर हमारी कोई पर्सनल सर्विस स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पिंग कर सकते हैं, वो चार्जेबल सर्विस है आपको। और कोई क्वेरीज है यहाँ पर वीडियोज में ही कमेंट करिए, वो उसका जवाब दे दिया जाएगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, ग्लेन फार्मा की। ग्लेन फार्मा की बात करें तो देखिए अभी यहाँ पर इसके रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए थे, और यहाँ पर अगर हम देखें इससे रिलेटेड हमने पहले ही वीडियो बनाई है और आपको बताया भी है, और अच्छा बेहतरीन स्टॉक ये 1700-1800 पे आया था, उसके बाद पैसा डबल करते हुए दिखा चुका है ऑलरेडी। यहाँ पर देखिए फार्मा से रिलेटेड कंपनी है, और यहाँ पर चाइना से कहीं ना कहीं इसका रिलेशन भी है। अगर हम देखें इंडिया इन 1978 ग्लेन फार्मा हैज ग्रोन ओवर द ईयर, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर और स्मॉल वॉल्यूम लिक्विड पेरेंटल प्रोडक्ट्स। तो अगर बात करें यहाँ पर ये CDMO में कंपनी काम करती हुई नजर आती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एज वेल एज यहाँ पर फार्मा से रिलेटेड कंपनी ये प्रोडक्ट्स बनाती हुई नजर आती है, बड़ी कंपनी है काफी। इसका मार्केट कैप देखेंगे तो देखिए लार्ज कैप कंपनी है, 60,690 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप है, 54 का पी है, ROC ROE यहाँ पर देखिए बेहतरीन नजर आता है, डेट फ्री नो प्लेजिंग, और 4350 रुपए से यहाँ पर करेक्ट होकर लगभग 3694 पे यहाँ पर शेयर चल रहा है, तो अच्छा खासा यहाँ पर करेक्ट भी हो चुका है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर देखिए 27 नवंबर 2020 को शेयर आया था, उसके बाद से एक अच्छी खासी जंप ऑलरेडी आ चुका है, एक साल भी कंपनी का हुआ नहीं है। और अगर हम देखें तो देखिए 26% के CAGR से कंपनी पिछले 5 साल से पैसा बढ़ा रही है, तो इसका मतलब है कंपनी एक बेहतरीन कंपनी है। और यहाँ पर अगर हम बात कंपेयर करते हैं दूसरी कंपनीज के PE रेशो से, तो देखिए डिविस लैब का 65 है, इसका 54 है, तो इन दोनों की हम बात करेंगे, बाकी है तो यहाँ पर अभी कोई खास परफॉर्मेंस कर भी नहीं रही है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो देखिए रिजल्ट के सामने है। सेल्स अगर हम यहाँ पर देखते हैं स्टैंडर्ड ऑन सेल्स है 694 से यहाँ पर बढ़ते यहाँ पर आप देखेंगे अच्छी खासी यहाँ पर सेल्स लास्ट क्वार्टर में भी हुई थी, और इस क्वार्टर की बात करें तो थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट है, बट स्टिल कहेंगे कि अच्छी खासी यहाँ पर सेल्स से कंपेयर देन अगर हम ईयरली बेसिस पे हम बात करें। प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट कम होता हुआ दिखाई दिया है, बट ईयरली बेसिस पे कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है। एक बार कंसोलिडेट भी देख लेते हैं, कंसोलिडेट भी देखते हैं तो सेम यहाँ पर चीजें हमें नजर आती है। इसके अलावा बात करते हैं एक बार ईयरली बेसिस पे, तो ईयरली बेसिस पे यहाँ पर ग्रोथ नजर आएगी। देखिए क्वार्टरली बेसिस पे कभी कभी होता है जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस ऊपर नीचे यहाँ पर चलता रहता है, ओके कभी ज्यादा अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं, कभी बेकार रिजल्ट आ जाते हैं, तो वो हमें क्या कहाँ पता चलेंगे, वहां जब हम इसके रिजल्ट देखेंगे तब पता चलेंगे, क्योंकि दो तरीके के एक्सपेंडिचर उससे होते हैं, जैसे कि हम मैंने आपको बता दिया वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट, तो उसकी वजह से यहाँ पर सेल्स में यहाँ पर एक्सपेंसिस में भी फर्क आ जाता है, जिस वजह से यहाँ पर प्रॉफिट के रेशियो में फर्क आ जाता है, बट यहाँ पर सेल्स भी कम है, तो वो भी हमें चीज देखनी होगी। यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार यहाँ पर इनकी वेबसाइट यहाँ पर इनके रिजल्ट की तरफ जाके एक बार इस चीजों को हम यहाँ पर अच्छे तरीके से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर इनकम में थोड़ी बहुत गिरावट है, एज वेल एज एक्सपेंस की बात करें एक्सपेंस भी थोड़ी बहुत ही कम होते हुए नजर आया, ज्यादा यहाँ पर कम नहीं हुआ, बट स्टिल कंपनी का परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर अच्छा खासा है ईयरली बेसिस पे। और यहाँ पर फार्मा पहले जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना यहाँ पर भागता हुआ नजर आया था, बट अभी बात करें तो इतना ज्यादा कोरोना के केसेस नहीं आ रहे हैं, और तो इसलिए यहाँ पर फार्मा की कंपनी जितनी भी है थोड़ा सा यहाँ पर सुस्ताती हुई नजर आ रही है। ईयरली बेसिस पे यहाँ पर पता चलता है कि कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करती है, कंपनी को पेंडेमिक से कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी ऑलरेडी यहाँ पर ग्रोइंग मैनर
मैनर में है, यहाँ पर अच्छा खासा कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट करती हुई नजर आ रही है। रिजर्व्स कंपनी के देखिए यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बोरिंग केवल 5 करोड़ की है, वर्किंग प्रोग्रेस में 456 करोड़ रुपए, और जब ये यहाँ ऐड होते हुए नजर आएंगे सेल्स एंड सब चीज यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। इसके अलावा कैश फ्लो यहाँ बात करें, कैश फ्लो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आरओसी की बात करें, आरओसी यहाँ पर अच्छी खासी है, 20 से ऊपर ही चल रही है, ओके ऊपर नीचे चलती रहती है, बट 20 के ऊपर है तो समझिए आपका पैसा बढ़ता हुआ हमेशा नजर आएगा। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें, थोड़ी सी स्लाइटली यहाँ पर कम हुई है 0.12% की, और बात करें एफआईएस की होल्डिंग यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, देख लीजिए। डीआईएस की बात करें, डीआईएस की थोड़ी सी कम हुई है, और यहाँ पर पब्लिक की बात करें, पब्लिक से हिस्सेदारी कम हो रही है, और पब्लिक से हिस्सेदारी कम होना मतलब यहाँ पर अच्छी बात होती है, यहाँ पर फिर भी ज्यादा कम नहीं हुई है तो इसलिए यहाँ पर कुछ बात नहीं है। बात करें 19.21 में से बड़े बड़े यहाँ पर स्टिल यहाँ पर अगर बात करें होल्डिंग है यहाँ पर 6.12, 2.61, 1.14% की, लगभग जब बात करें 10% की हिस्सेदारी आती है तो 9-10% की हिस्सेदारी रिटेल के पास रह जाती है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं चार्ट पे ग्लैंड फार्मा से रिलेटेड कि ग्लैंड फार्मा के सपोर्ट लेवल हमें कहाँ पर नजर आते हैं, तो एक बार उससे रिलेटेड हमें चीजें समझ में आएगी। ग्लैंड फार्मा आपके सामने है, तो जैसे कि हम देखते हैं तो ऑलरेडी यहाँ पर शेयर 22% के लगभग यहाँ पर 22 तो नहीं कहेंगे 22 से यहाँ पर थोड़ा सा कम यहाँ पर करेक्ट होता हुआ नजर आया है। एक मिनट हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो अगर हम यहाँ पर इसे थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं तो हमें समझ में आएगी। देखिए 17% के आसपास ये शेयर ऑलरेडी यहाँ पर करेक्ट हो लिया है, और अच्छे शेयर 17% के यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं और तो अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है। एज वेल एज यहाँ पर देखिए तो एक अच्छा खासा सपोर्ट पे ही यहाँ पर ट्रेड कर रही है, इससे पहले यहाँ पर सपोर्ट था, इससे पहले यहाँ पर, फिर भी शेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसने एक लास्ट यहाँ पर अगर हम देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ तक आता हुआ दिखाई दिया, तो शायद यहाँ पर 100-200 रुपए और करेक्ट हो सकते हैं, बट अच्छे खासे RSI पे एज वेल एज अच्छे खासे करेक्शन मोड में यहाँ पर शेयर ऑलरेडी आ चुका है। रिजल्ट अच्छे ठीक ठाक है, इतने बेहतरीन ये क्वार्टरली बेसिस पे नहीं है बट ईयरली बेसिस पे है, तो हमें थोड़ा सा एक यहाँ कंसोलिडेशन फेज यहाँ पर देखना पड़ सकता है, उसके बाद जब चीजें मूव करनी करेगी तो हमें अगर 6 महीने का टाइम हम देंगे तो शायद ये इस लेवल पर दोबारा से आती हुई दिखाई दे सकती है, तो इसे बेचने की जल्दबाजी मत करिए, बेहतरीन स्टॉक से लार्ज कैप कंपनी है तो इसकी तरफ नजरें बनाइएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं दूसरे स्टॉक से रिलेटेड जिसका नाम है एमई ऑर्गेनिक। एमई ऑर्गेनिक की बात करें, अभी शेयर आता हुआ दिखाई दिया था और आई डोंट थिंक सो इससे ज्यादा टाइम हुआ है, अगर यहाँ पर देखते हैं 17 सितंबर को ये शेयर आता हुआ दिखाई दिया था, केवल एक महीना ही इस शेयर को होता हुआ दिखाई दिया है और लगभग 50 डीएमए के आसपास शेयर चल रहा है। स्पेशलिटी केमिकल्स में एज वेल एज फार्मास्यूटिकल्स में कंपनी काम करती हुई नजर आती है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। मार्केट कैप की बात करें 4372 करोड़, मतलब स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप में थोड़ा सा रिस्क रहता है ज्यादा कंपेयर देन, बट अच्छी कंपनी है, अच्छे रिजल्ट पेश करती है, अच्छे खासे आरओसी आरओई सीएजीआर से कंपनी भागती है, तो थोड़ा सा उसमें वॉलिटिलिटी रहती है बट उतने ही अच्छे रिटर्न भी देती हुई नजर आती है। फेस वैल्यू 10 की है, डेट फ्री कंपनी है, कोई प्लेजिंग नहीं है, ये सारी चीजें इसकी पॉजिटिव है। एज वेल एज यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो इसके रिजल्ट हम हमारे सामने यहाँ पर देख सकते हैं 91 करोड़, 113 करोड़, 122 करोड़, मतलब यहाँ पर ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस पे अच्छे खासा जंप है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी देखेंगे 14 से 17 हुआ, तो क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे यहाँ पर भी प्रॉफिट है, अच्छा खासा है, स्टैंड अलोन नंबर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए एमई ऑर्गेनिक को मैंने आपको 2 से 3 दिन पहले ही बताया था कि जब हमने यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया था तो एमई ऑर्गेनिक यहाँ पर अच्छे खासे रिजल्ट पेश किए। सेल्स की बात करें तो कंपनी यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी खासी ईयरली बेस, ऐसा ही नहीं है कि क्वार्टरली बेसिस पर परफॉर्मेंस कर रही है, ईयरली बेसिस पर भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, 160, 188, फिर 239, 240, और अभी की बात करें 341 करोड़ के यहाँ पर सेल्स हुई है। नेट प्रॉफिट भी उसी तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, रिजर्व्स अच्छे खासे हैं यहाँ पर देखिए, ये लेटेस्ट है, रिजर्व्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, रिजर्व्स तो यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़े, और डेट बहुत कम, देखिए डेट का कम होना रिजर्व्स का बढ़ना ये पॉजिटिव साइन होती है, वर्किंग प्रोग्रेस में तो नहीं। यहाँ पर कैश की बात करें, कितना कैश है कंपनी के पास, तो 102 करोड़ का कैश, कैश बढ़ रहा है, रिजर्व्स बढ़ रहा है, एज वेल एज बोरिंग कम हो रही है, ये सारी चीजें पॉजिटिव यहाँ पर दिखाई देती है। ये शेयर यहाँ पर अगर बात करें आरओसी आरओई देखिए काफी बेहतरीन है, 33 के आरओसी पे कंपनी काम कर रही है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, यहाँ पर प्रमोटर्स 41%, 2.5% का यहाँ पर एफआई, डीआई 6% के आसपास है, और पब्लिक की बात करें 50, बट 50 नहीं है, 50 में से ये बड़े बड़े लोगों ने यहाँ हिस्सेदारी ले रखी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पर पब्लिक ने ले रखी है, पब्लिक के पास भी और बड़े बड़े लोगों के पास। अब बात कर लेते हैं एमई ऑर्गेनिक की चार्ट पे हमें कैसा नजर आता है, तो एमई ऑर्गेनिक देखिए मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था एक अच्छे खासे सपोर्ट पे है शेयर यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर ऊपर का लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जाता हुआ दिखाई दे रहा था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर अगर हम देखें
तो जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर वॉलेटिलिटी थी, जो मार्केट में गिरावट थी, उसकी वजह से यहाँ पर शेयर नीचे आया। मुझे नहीं लगता शेयर यहाँ पर ज़्यादा 40-50 रुपए से ज़्यादा और ज़्यादा टूटेगा, बट यहाँ पर अच्छे रिजल्ट पेश कर दिया तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर भागने की तैयारी कर सकती है, कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर मूव दे सकती है। तो हमारे टारगेट यहाँ पर, अगर हम बात करें जिस तरीके से मार्केट चल रही है और अगर ऐसी चलती रही तो बहुत जल्दी यहाँ पर 2000 के टारगेट हमें शो करते हुए दिखाएंगे। और अगर इसके चार्ट पैटर्न की बात करें, एक छोटा सा कप विद हैंडल पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है। ये कब बन रहा है, कब बनने के बाद यहाँ पर हैंडल, और इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो ऐसी चीजें बहुत जल्दी भागती हुई दिखाई देती है। थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम देखें कि कितने टारगेट आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसके टारगेट की अगर हम बात करें, स्मॉल टाइम के टारगेट की बात हो रही है, लॉन्ग टर्म में मत समझ लीजिएगा इसे, शॉर्ट टर्म में भी ये टारगेट हमारे यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो लगभग 1500-1600 के आसपास के टारगेट नजर आते हैं। और अभी शेयर 1200 रुपये पे चल रहा है, 400 रुपये का अपसाइड मूव्स यहाँ पर भी है। मैं ऑलरेडी इसमें बायर हूँ, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे खासे सपोर्ट लेवल पे कंपनी चल रही है, अच्छे खासे रिजल्ट आ गए हैं, तो शेयर यहाँ पर भाग सकता है। इसके अलावा हम लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और कंपनी के बारे में बात करेंगे, तत्व चिंतन। अभी रिसेंटली यहाँ पर इसके क्या आया था, IPO आता हुआ दिखाई दिया था। अगर हम यहाँ पर देखें मैक्सिम चार्ट पैटर्न, तो आपको चीजें समझ में आएगी कि 30 जुलाई को ये IPO आता हुआ दिखाई दिया था। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे, और ये सबसे बेहतरीन बात है, 200 DMA के नीचे यहाँ पर शेयर ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर रिजल्ट देखेंगे तो देखिए फार्मा से रिलेटेड कंपनी, अगेन यहाँ पर फार्मा एज वेल एज एग्रोकेमिकल से रिलेटेड। मार्केट कैप स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप में वॉलिटिलिटी रहती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ROC ROE यहाँ पर अच्छा खासा है, डेट फ्री की तो नहीं, लगभग 17% का डेट है, कोई प्लेजिंग नहीं है। यहाँ पर 2500-3400 रुपए से करेक्ट होकर 2135 रुपए पे शेयर चल रहा है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख सकते हैं, ऊपर से नीचे इस तरीके से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें क्वार्टरली रिजल्ट, तो ये रिजल्ट है इसके, तो इस बार के जो रिजल्ट है यहाँ पर देखिए, ये एक साल पहले 60 से 124 करोड़, मतलब दुगनी सेल्स होती है नजर आई है। और यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे ही परफॉर्मेंस है, 4 करोड़ का प्रॉफिट 32 में होता हुआ नजर आया, और 23 से 32, तो कंपनी ने ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे, यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी का परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोइंग मैनर पर रहा है। यहाँ पर सेल्स की बात करें तो कंपनी की सेल्स यहाँ पर देखिए ईयरली बेसिस पे बढ़ती हुई नजर आ रही है, 2018 में 131 करोड़, और यहाँ पर अभी बात करें तो लगभग दुगने से ज्यादा यहाँ पर 4 साल के अंदर अंदर सेल्स होती हुई नजर आ रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें 12 से 52 करोड़ में यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कंपनी ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे अपने आपको परफॉर्म करके दिखा रही है, और ऐसी ही कंपनी भागती हुई नजर आती है। रिजर्व्स की बात करें 424 करोड़ के रिजर्व से जो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बोरिंग की बात करें, बोरिंग यहाँ पर कम होती हुई नजर आ रही है, और यहाँ पर देखे तो यहाँ पर वर्किंग प्रोग्रेस में 33 करोड़ है, दोबारा यहाँ ऐड होंगे जब ये, तो ऑब्वियसली बात है दोबारा ये इसके रिजल्ट सेल्स और सब चीज अच्छी बढ़ती हुई नजर आएगी। कैश फ्लो की बात करें, कंपनी का कैश फ्लो यहाँ देख सकते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। यहाँ पर ROC कंपनी की अच्छी खासी है 28, प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ देखिए 79 है। तो यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि 3 साल के अंदर अंदर OFS या FPO के थ्रू यहाँ पर जा सकती है होल्डिंग, और 75 का जो रेशो होता है वो यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा, बट वो 3 साल के अंदर कभी भी हो सकता है, तो कभी भी आपको एक सरप्राइज मिल सकता है। तो उस केस में क्या होता है, शेयर गिरता हुआ नजर आता है। FIs और DIs की होल्डिंग अच्छी खासी है, और पब्लिक के पास केवल और केवल 9.94 में से अगर 2.74 घटाए तो लगभग 7% की होल्डिंग ही यहाँ पर नजर आती है। तो अच्छी खासी होल्डिंग सबके पास यहाँ पर नजर आती है, और रिजल्ट अच्छे खासे है। तो यहाँ पर तत्व चिंतन की अगर हम बात करें, तो तत्व चिंतन एक बेहतरीन स्टॉक यहाँ पर नजर आता है, और हायर हाई हायर लोज लगाता हुआ नजर आ रहा है। शेयर अच्छे खासे प्राइस पे, और यहाँ पर मंडे को शायद एक अच्छा खासा जंप दिखा सकता है। तो थोड़ा एग्रेसिवली बाइंग मत करने का, थोड़ा सा वेट करिएगा, अगर ये ओपन गैप अप ओपन होता है तो शायद आपको इसी प्राइस के अंदर एंड ऑफ द डे मिलता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि निफ्टी में शायद अगर हम देखें मार्केट में थोड़ी सी गिरावट और हो सकती है। चार्ट की बात करें तो देखिए ये शेयर मुझे क्या नजर आ रहा है, ये शेयर मुझे भागता हुआ नजर आ रहा है, और इसके 3000 के से ज्यादा के टारगेट मुझे नजर आ रहे हैं, जो कि बहुत जल्दी अचीव हो जाना चाहिए अगर मार्केट एक बार दोबारा इसी तरीके से बुल रन में आता हुआ दिखाई देता है। और कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, और कप विद हैंडल पैटर्न जब बनता है तो वो अचीव होता है सूनर और लेटर। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, बट चीजें अचीव होती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर देखिए एक कप बनाया, इसके बाद एक हैंडल बनाया, और यहाँ पर अगर हम टारगेट की बात करें तो इस कंपनी के टारगेट कितने नजर आ रहे हैं वो भी हम देख लेते हैं। एक बेहतरीन टारगेट यहाँ पर
कंपनी के नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लगभग 2886 रुपए। तो लगभग 2886 दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर रुकने नहीं वाला ये शेयर, ये शेयर और भागता हुआ दिखाई देगा। पहला टारगेट अगर हम देखें, पहला टारगेट यही है इसका 14, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है 14% का। दूसरा टारगेट इसका ये है जो इसने ऑल टाइम हाई बनाया था, वहां से करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया 18%। और फिर इसके बाद तीसरा टारगेट यहाँ पर 34% दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जा सकते हैं, बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करना, ओके। और यहाँ पर सीखने की कोशिश करना कि किस तरीके से इस स्टॉक को हम एनालिसिस करते हैं, किस तरीके से हम स्टॉक्स को पिक करते हैं, और किस तरीके से उसमें प्रॉफिट लेके टाइम से हम एग्जिट भी कर लेते हैं। तो ये चीजें सीखते रहोगे तो अच्छा खासा पैसा बनता रहेगा। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करें। हमारी सर्विस चाहिए तो व्हाट्सएप का नंबर है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।